और इधर कोलबांग के करीब आते ही चिचावती में खल, बनोला, चोकर और वंडे की कीमतों में बेपना इजाफा हो चुका है। मजीद जाने की चिचावती में मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल हबीब से। सुहेल अभी बताएगा कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। जी, ईद कुर्बान के करीब आते ही चिचावतनी में खल, बनौला और चौकर की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ एक माह के कलील अरसा में खल की कीमत में तकरीबन 1500 रुपये इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो डेयरी फार्म से मुंसलिक किसान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं जो कुर्बानी के जानवर लाते हैं वो भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्बानी के जानवर पर जो लागत है उनकी खुराक पर वो ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से इस साल जो है वो कुर्बानी का जानवर भी महंगा होगा। मेरे साथ इस वक्त चिचावतनी गल्ले मंडी में जो खाल, बनौला और चौकर के काम से मुंसलिक दुकानदार हैं वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि एक माह में खाल, बनौला और चौकर की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ी हैं। जी बताइए। खाल पहले 3200 की थी, अब 5200 की हो गई है। चौकर 1100 का था, अब 1600 का हो गया है। वंडा कराची 2100 का था, अब 2700 का हो गया है। बनौला 2400 का था, अब 3500 का हो गया है। तो ये बता रहे थे कि एक माह में जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि जो ग्राम फरोशी है उस पर काबू पाया जाए। जी सुहेल हबीब, शुक्रिया। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत के